Please subscribe to the Recipes and Vlog with Swati and hit the bell icon. हाय एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज एंड ब्लॉग विद स्वाति। मेरा नाम है स्वाति और आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ वीक डे के जो नॉर्मल वर्किंग डे होते हैं, जिसमें हस्बैंड का ऑफिस है, बच्चों के स्कूल हैं और प्रॉपर जो एक रूटीन होता है दिन का वो है। तो मॉर्निंग हमेशा स्टार्ट होती है ल्यूक वार्म वाटर और 1 लेमन जूस के साथ। सो मॉर्निंग आपका कोई भी रिचुअल हो, आई थिंक एक मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो होना बहुत ज़रूरी है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। या सुबह सुबह जो आप एनर्जी ड्रिंक या हेल्थ ड्रिंक जो भी लेते हो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं वेट रिड्यूस करने में भी, और इवन ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी इस तरह से एक मॉर्निंग ड्रिंक होना बहुत ज़रूरी है। सो अभी मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। सो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज रागी डोसा। रागी सबको पता है बहुत ही हेल्दी ग्रेन होता है। इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था, रागी, उड़द दाल और थोड़े से उसमें मैंने मेथी दाना डाले थे। उसको मैंने ओवरनाइट सोक करके बैटर को पीस कर उसको फर्मेंट होने रख दिया था और ये रागी का बैटर बिल्कुल रेडी है। रागी एक एब्सोल्युटली हेल्दी ग्रेन है, ग्लूटेन फ्री होता है, फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हो तो भी ये बहुत हेल्प करता है। डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। बच्चों को आप इसको दे सकते हो। इसमें कैल्शियम की क्वांटिटी अच्छी होती है, गुड कार्ब्स होते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर है तो भी इसको अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हो। सो ओवरऑल रागी जो है एक फुल पावर पैक ग्रेन है जिसको हमें अपनी डाइट में बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए। सो डोसे में 3 से 4 टेबलस्पून को लेके मैंने फैला लिया था इसको, और ऊपर हल्का सा मैंने ऑयल डाला है। ऑयल अराउंड 1/4 टेबलस्पून ही यूज़ किया है पूरे डोसे में। तो नॉन स्टिकी पैन में बनाओगे तो आपको बिल्कुल ही कम ऑयल में बन जाएगा। आयरन के पैन पे बना रहे हो तो थोड़ा सा ग्रीस करना पड़ता है, बट बहुत ड्राई होता है तो बहुत आसानी से बन जाता है, ये स्टिक नहीं होता। तो ये डोसा बिल्कुल रेडी है एंड एब्सोल्युटली क्रंची, और जो नॉर्मल डोसा होता है बिल्कुल उसी के टेस्ट का बनता है एंड हेल्थ बेनिफिट्स आर जस्ट अमेजिंग। सो ये क्रंची सा डोसा रेडी है। और इस डोसे के साथ आप कोई भी चटनी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ नारियल की चटनी, जिसके लिए मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है 1/2 इंच के अराउंड। मैं उसमें डाल रही हूँ अदरक का पीस, 2 ग्रीन चिली मैंने ली है। बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हो। एंड इसमें डालूंगी मैं हल्का सा गुनगुना पानी। सो गुनगुना पानी जब भी आप कोकोनट की चटनी बनाते हो तो उसमें डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको एकदम से बाइंड कर लेता है पूरी चटनी को। उससे क्या होता है कि जो हमारी चटनी होती है वो बिल्कुल पानी अलग और नारियल अलग ऐसा नहीं बनेगी, एकदम से मिक्स होके बिल्कुल एक सार चटनी बनती है। सो इसलिए थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल के इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी एंड ये चटनी रेडी है। एब्सोल्युटली सिंपल। आप चाहो तो इसमें जो सरसों के दानों का तो तड़का होता है वो लगा के भी डाल सकते हो। मैं इसको बहुत ही सिंपल रखूँगी, एज इट इज़ ही इसको लूँगी। थोड़ा सा अगर इसको और ज़्यादा बारीक बनाना है तो और ज़्यादा पतली आप बना सकते हो। तो ये बनाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है एंड ये हेल्दी सा एंड यमी और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट वाला ब्रेकफास्ट जो है वो मेरा रेडी है। सो ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी डॉटर को पढ़ाने के लिए। शी इज़ इन फर्स्ट स्टैंडर्ड और अभी उसके चल रहे हैं असेसमेंट्स। आज उसका एग्ज़ाम था तो उसके लिए मैं उसको प्रिपरेशन करा रही हूँ। प्रिपरेशन आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं है एज सच, बट थोड़ा सा रिविजन की ज़रूरत आई थिंक लास्ट डे होती ही है, तो वही मैं अभी जस्ट उससे ओरली ही सुनूंगी एंड ऑनलाइन ही टेस्ट है। सो रिटर्न ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ओरली टीचर क्वेश्चंस पूछेंगी तो वही बच्चों को आंसर करने हैं।
तो इंडिविजुअल होगा, अकेले अकेले होगा, पेरेंट्स अलाउड नहीं हैं, बच्चे हेडफोन लगाकर खुद ही क्वेश्चंस के आंसर देंगे, पेरेंट्स का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी इसमें अलाउड नहीं है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही हूँ, ओरली क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एंड छोटी डॉटर मेरी ऑलवेज रेडी रहती है हमारे पास आने के लिए। और घर में अगर छोटा बच्चा हो तो बड़े बच्चे की पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, यू नो डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को आप एक जगह, कुछ ऐसा भी नहीं है कि उसको बिज़ी रख सकते हो बहुत ज़्यादा देर तक, थोड़ा सा बिज़ी होता है देन फिर वो ऑफकोर्स बड़े बच्चे के पास ही खेलने आता है। और अभी स्टडी टाइम नहीं है इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ, जस्ट सिंपली ओरली पूछना है तो थोड़ी देर वो इधर उधर खेलेगी एंड जैसे इसका ख़त्म हो जाएगा काम तो फिर ये भी खेलना शुरू करेगी। बट मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे वीडियो जिसमें मैंने टिप्स शेयर करे हैं बच्चों को होमवर्क कराने के लिए या जो स्टडी टाइम है उसको किस तरह से आप स्मूथ बना सकते हो, क्योंकि आई थिंक सभी पेरेंट्स के साथ ये कॉमन इश्यू होता है कि फर्स्ट सेकंड या जो छोटे स्टैंडर्ड्स में बच्चे होते हैं उनको किस तरह से एक जगह बिठाया जाए, एंड अगर आपके घर में सिबलिंग्स हैं तो बच्चों को किस तरह से होमवर्क कराया जाए विदाउट फ्रस्ट्रेशन, विदाउट इरिटेशन, बच्चों पर चिल्लाए बिना, एक स्मूथ तरीके से किस तरह से आप उस टाइम को बिताओ, तो वो मैंने एक पूरा शेयर किया हुआ है वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको एक बार चेक कर सकते हो। उससे मैंने काफी टिप्स शेयर करे हैं जो मैंने पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को या स्पेलिंग्स को ब्रशअप कराने के बाद मैं आ गई हूँ अब क्लीनिंग करने के लिए, दोनों भी खेलेंगी। एंड क्लीनिंग आज मैंने जल्दी नहीं करी थी क्योंकि मेरा फोकस था कि पहले मैं उसको थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ, ब्रेकफास्ट टाइम पे हो जाए, देन रिवीजन होने के बाद मैं फ्री होकर अपनी क्लीनिंग कर सकती हूँ। एंड बच्चे अगर घर में हैं तो क्लीनिंग आपको डेली बेसिस पर ही करनी पड़ती है, आई डोंट नो कहाँ से बट घर थोड़ा थोड़ी चीज़ें करके गंदा हो ही जाता है, और अभी वही क्लीनिंग होगी एंड देन उसके बाद मैं करूँगी अपने लंच के प्रिपरेशन। सो लंच में मैं बनाने लगी हूँ बेबी मशरूम की सब्ज़ी जो बहुत टेस्टी बनती है एंड बनाना बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा इसके लिए स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं, सिंपल मसालों के साथ बनती है जो घर में अवेलेबल होते हैं, बट टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो मैं बेबी मशरूम को अच्छे से पहले वॉश कर लूँगी, उसको पानी में मैं सोक करके रख दूँगी, उसको सोकिंग के लिए नहीं, थोड़ी सी अगर उसके ऊपर कोई भी डस्ट होगी या जो भी पार्टिकल्स होंगे वो पानी में रखने से अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, तब तक मैं प्रिपेयर करूँगी ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 अनियन मीडियम साइज़ का, और अनियन में ये जो फंगस होती हैं हमें इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, इवन अगर ये नहीं भी हो तो भी अनियन को एक बार पानी से वॉश कर लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़, और इनको भी मैं बड़ा बड़ा ही काटूंगी, बहुत फाइन चॉप नहीं करना है, लंबे लंबे पीसेस में ही सब कुछ काटना है, अल्टीमेटली हमें इसे ग्राइंड ही करना है। 1 टेबल स्पून के अराउंड मैं ले रही हूँ ऑयल, और ये बिल्कुल ऑयल लेस ऑयल वाली रेसिपी है, यही ऑयल है जो थ्रू आउट रेसिपी यूज होगा, ऑयल के गर्म होते ही उसमें डाल देंगे अनियन की स्लाइसेस एंड हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें इन्हें भूनना है। वन डालूंगी मैं यहाँ पे ग्रीन चिली, अगर बच्चे नहीं खाते हैं मिर्ची तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, रेड चिली भी इसमें डाल सकते हो। अब जैसे ही अनियन का कलर चेंज हो जाएगा यहाँ पे मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून,
आप इसमें फ्रेश जिंजर और गार्लिक को भी चॉप करके डाल सकते हो। अल्टीमेटली हमें उसे ग्राइंड ही करना है, तो साथ ही अनियन के हम उसको डाल देंगे। क्योंकि ये पेस्ट है तो मैंने थोड़ा सा लेट ऐड किया था। अब मैं डाल दूंगी यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज जो मैंने चॉप करके रखे थे, उनको भी हम इसके साथ मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैं डालूंगी बिल्कुल 2 सिप्स के अराउंड पानी, सो दैट क्योंकि सब्ज़ी में ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, तो वो पैन के साथ चिपके नहीं, इसलिए मैं ऐड करूंगी यहाँ पे पानी। और इसको कवर करके रख देंगे हम 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे, सो दैट टमाटर अच्छे से गल जाए। मैंने इसमें कोई भी मसाला इस टाइम पर ऐड नहीं किया है और ये टमाटो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला बिल्कुल पक गया है, इसमें से ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो अब मैं कर दूंगी गैस को बंद और इसको छोड़ देंगे हम ठंडा होने के लिए। सब्जियां ठंडी हो गई हैं और इसको मैं डाल दूंगी ग्राइंडर जार में। पानी हम इस टाइम पे बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, ये बहुत सॉफ्ट है तो इजीली इसका पेस्ट बन जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम हो या आप वर्किंग हो, बार बार प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, तो आप ये वाला मसाला जो है बिना सॉल्ट डाले या बिना कोई भी मसाला डाले, इसको आप अपने पास स्टोर करके फ्रिज में ग्लास कंटेनर में रख सकते हो और जब भी आपको सब्ज़ी बनानी है आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून मैंने डाली है टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर डाला है रेड चिली पाउडर। और क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली भी डाली थी तो इसलिए मैंने 1/2 डाला है। साथ ही ऐड करूँगी 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला। अगर आप इसको स्टोर करने के पर्पज़ से बना रहे हो तो ग्राइंड करने से पहले आपको कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करना है। सो ये हमारी ग्रेवी जो है फिर ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकती है। आप 2-3 डेज के लिए भी इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो, जब भी आपको बनाना है इमीडिएटली फटाफट सब्ज़ी जो भी आप बना रहे हो उसको डाल के इसमें बना सकते हो। अगर आप इसको शाम के लिए या दूसरी मील के लिए रख रहे हो तब आप मसाले ऐड करके भी इसको स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं बेबी मशरूम और सभी को मैं इसमें कोट कर लूँगी अच्छे से, सारा मसाला इसमें कोट हो जाएगा। तो मैं इसमें डालूँगी 1/2 ग्लास के अराउंड पानी। पानी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। मैंने इसके साथ बनानी है चपाती तो इसलिए मैंने इसमें पानी थोड़ा कम ही डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे और ढक कर रख देंगे इसको 5-7 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे। मशरूम जल्दी पक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। फ्लेम मैं यहाँ पे लो टू मीडियम रखूँगी। अब विद इन 5-7 मिनट्स ये डन हो जाएंगे और ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है, मसाले इसमें हमने सिंपल घरों में यूज़ होने वाले डाले हैं एंड टाइम भी बहुत कम लगता है। तो ये टेस्टी सा लंच जो है वो भी रेडी हो गया। इसके साथ मैं बना लूँगी चपातीज़। चपातीज़ मैं होल वीट की बनाऊँगी। आप इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें बीट रूट की या रागी चपाती भी बना सकते हो। मैंने अपने चैनल पर शेयर करी है डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्दी चपातीज़ की रेसिपी, लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप चाहो तो उसको एक बार चेक कर सकते हो। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी ऑप्शंस हैं उसमें। तो ये मेरा टेस्टी सा लंच हो गया है रेडी एंड इट वाज डॉटर्स डे टुडे और बिकॉज आई हैव 2 डॉटर्स सो वी हैव डबल सेलिब्रेशन एंड वी थॉट टू मेक इट लिटिल बिट मोर स्पेशल फॉर आर डॉटर्स एंड वी वेंट टू आउटसाइड। और बच्चों के लिए स्पेशल बनाने के लिए आपको बहुत सारी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप उनको बाहर लेके चले जाओ, पार्क में लेके चले जाओ या थोड़ा सा स्पेशल उनके साथ कुछ कर लो तो आई थिंक वो उसी में खुश हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जा रहे थे यहाँ पे केक कटिंग करने एंड थोड़ा सा उनको पार्क में घुमाने के लिए, अगर पार्क में भीड़ कम होती है तो। जनरली यहाँ ओमान में जो पार्क्स हैं वो अभी बिल्कुल बंद हैं, अलाउड नहीं है, बट सोसाइटी के पार्क्स जो हैं या जो रोड साइड पे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पे आप जा सकते हो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आप बैठ सकते हो और टाइम स्पेंड कर सकते हो।
सो हम आ गए थे यहाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉस्क है, उसके सामने वाली ग्रीन बेल्ट पे बहुत कम भीड़ होती है, लोग वॉक के लिए आते हैं, रुकते नहीं हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं, तो हमें लगा ये बेस्ट ऑप्शन है करंट सिचुएशन को देखते हुए। तो हम आ गए थे यहाँ पे केक कटिंग करने, एंड थोड़ा सा ये दोनों यहाँ पे खेल भी लेंगी, एंड क्योंकि आज असेसमेंट भी था सो फुल डे स्टडीज एंड देन क्वेश्चन आंसर्स ये सब चल रहा था, तो आई थॉट कि ये बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए एक फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करने का और थोड़ा सा यू नो माइंड को फ्रेश करने का भी। एंड यहाँ पे हो रही थी केक कटिंग। एंड एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस करी है कि यहाँ पे ओमान में जो पार्क का जो कल्चर है वो बहुत कॉमन है। जनरली लोग वीकेंड्स पे अगर आप बीच साइड पे देखोगे या पार्क्स देखोगे वो हमेशा फुल रहते थे, यू नो ऑफ कोर्स बिफोर दिस सिचुएशन। तो बहुत अच्छा ये कल्चर है, सारे लोग आई थिंक मोस्टली लोग जो है वो बाहर आके अपने डिनर हैं या गेट टुगेदर है वो इस तरह से बाहर पार्क में सेलिब्रेट करते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। एंड केक कटिंग के बाद हाफ आवर टू 45 मिनट्स हम लोग यहीं पे रुके थे, दोनों खेल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, यू नो बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, शोर भी नहीं था, ऑल दो हम रोड के साइड पर ही खेल रहे थे बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे हॉन्किंग वगैरह नहीं है तो इतना ज़्यादा शोर ऐसा फील नहीं होता है कि आप रोड के साइड पे हो और आवाज़ आ रही है, पॉल्यूशन आ रहा है, सो वो सब चीज़ें नहीं है तो इतना पीसफुल लगता है और अच्छा भी लगता है बच्चों को, क्योंकि पार्क सभी बंद हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है बाहर जाके थोड़ा सा फ्रेश एनवायरनमेंट में बैठना, और एक पूरे दिन का जो रूटीन होता है उसे थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, माइंड फ्रेश होता है। एंड दिस इज़ हाउ वी हैव सेलिब्रेटेड आर डॉटर्स डे, अ वेरी स्पेशल डे। सो इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग यहाँ पे एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो व्लॉग, रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।